Hi everyone, welcome to Big 17 Live Review. जैसे सलमान खान ने बोला है देखो यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्ट्रेक्ट साइन करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट की जिक्र इसकी वजह से की है क्योंकि सलमान खान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उस वजह से देखो अः बानी जे किन की कंपनी है आ, इनकी ही कंपनी है तो मतलब अगर वो घर के बाहर क्यों कोई होस्ट ढूंढेंगे जब भाई हैं तो इकट्ठे कर लेंगे हम साथ साथ हैं तो करना भी चाहिए भाई अब भाई है तो करेंगे ना क्यों क्यों ना करें यहाँ पे अरबाज खान ने तो बोल दिया ना मेरे तो इतने इतने प्रोजेक्ट चल रहे मैं तो ऐसे टाइम निकाल के हर संडे को आना पड़ेगा तो देखो भाई भाई का के काम आता है और ऐसा ही फैमिली में हो गया भाई आई वंट के वो होस्ट कैसे कर पाएंगे देखो होस्ट तो वो नहीं है वो प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर हैं है पर क्या वो होस्ट कर सकेंगे आई एम नॉट श्योर डेफिनेटली अरबाज जी से बेहतर जैसे बात कर रहे थे जैसे बट हो सकता है कि दोनों अच्छा निकले एंड आई डोंट माइंड दिस एट ऑल बहुत फन हो सकता है आई होप देम ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग संडे यानी कि कल uh, देखेंगे कैसे वो करते हैं क्या किसी का कर पाते हैं कल नौ बजे का टाइम है अगेन एनीवे anyway, तो उसके बाद फिर आते हैं करण और मोनी जी आते हैं और आई हैव टू से मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से uh, जियो वालों ने हमें कहीं ना कहीं uh, ये सपने दिखाए थे कि आदित्य रॉय uh, कपूर आएंगे टेम्पटेशन uh, आइलैंड में हाँ तो उन्होंने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला था पर जो सोसेस थे जिसके बारे में बात हो रही थी जो उड़ती उड़ती हवा में थे वो तो नहीं मिले हमें मिले करण Uh, कुंद्रा और मुझे एडवर्ट से अगर मैं सच बोलूं जो एड्स uh, थे वहां पे मोनी रॉय बिल्कुल फिट आ रही है टेम्पटेशन आइलैंड में पर मुझे कहीं कही ना कहीं लगा कि करण शायद उसमें नहीं फिट आएगा पर आज जब उन्होंने स्टेज पे आके अपना पूरा बात करी पूरे तरह से उन्होंने uh, पूरा जो शो के बारे में बात करी तो uh, वो फिट आ गए एंड एक्चुअली आई थिंक आई लाइक करण मैं मैं बहुत समय से उनको लाइक करता हूँ आई लाइक देम आई लाइक फ्रॉम जब वो चैनल वीक मेरे साथ ही मतलब हमारे हम इकट्ठे चैनल में काम करते थे वो अलग शो करता था मैं अलग करता था पर उस समय से ही मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे आई ही ही समथिंग अ वेरी स्पेशल एनर्जी उनकी हैज ग्रेट मैग्नेटिज्म अराउंड हिम और जब वो स्टेज पे आए जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो इस कॉन्सेप्ट में फिट आ गए और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं शो एंड आई एम एक्साइटेड एंड गुड लक टू गुड लक टू जियो विद दिस न्यू आइडिया ये बहुत एक्साइटिंग आइडिया अगर देखा जाए टेम्पटेशन आईलैंड एक यूनिवर्सल एक आई से यूनिवर्सल क्योंकि हर एक I I कंट्री में आता है ये इंटरनेशनल

लड़ाई झगड़ा जो घर के अंदर हो रहा है फिलहाल मतलब कहीं ना कहीं तहलका जो सनी आर्या और अरुण हैं अचानक भयानक वो कह रहे हैं कि आज देखो अगर राइडर के साथ भी हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे अरे आप अपने घर से निकल के किसी और से भी लड़ सकते हो कुछ और कंटेंट कर सकते जरूरी नहीं कि आपको लड़ना ही है आप क्या सोचते हैं आपको क्या बताया जाता है आप क्या करते क्या है पर अभी फिलहाल आपने कुछ किया नहीं है या वो भी करें पर आपस में ही करना है आपको लड़ाई वो भी बिस्तर में आई एम श्योर सो लेट्स व्हाट गोस ऑन आई एम आई एम लूजिंग होप एक्चुअली मैं मतलब मैं कितने समय से मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ हमारे इंटरनेट के जो खास हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ ऐसा करके दिखाएंगे और टक्कर देंगे पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और मैं अभी मेरी पेशेंस खत्म हो रही है ये दूसरा हफ्ता होके हटा है एंड आई एम डन वेटिंग के ये कुछ करें एंड आई एम सॉरी टू से बट दे आर वेरी बोरिंग एनीवे तो आते हैं हम डंक्स के ऊपर वहां पे आई uh, लाइक like जो सलमान खान uh, डंक वो नागिन को छोड़ ही नहीं रखता पर ऑनेस्टली मोनी रॉय ने जिस तरीके से नागिन का रोल किया था वो सबसे बेहतर था एंड मैं फिर से बोलूंगा वो uh, करण क्या क्या है उसका नाम प्रतीची प्रता, प्रताश प्र, प्र, प्रतिक प्रतिकनी व्हाट इज इट समिति व्हाट्स हर नेम तेजस्वी प्रकाश अच्छा, प्रकाश अच्छा उसका पता तो नहीं क्या होता है मुझे इसके नाम के साथ बट तेजस्वी हाँ तेजस्वी से बेहतर तो मोनी रॉय ने ही नागिन किया था नागिन पहला आप इट्स यूनिवर्स वो कभी भी देख सकते हो वो ऐसा वो एज होता ही नहीं है अम्म आई थिंक अर्जुन बिजलानी भी है उसका हीरो एंड इट डज एन एज वो अभी वो फिर से कलर्स वालों ने लगाया हुआ है और मैं देखता हूँ एंड उसके ऊपर कोई ऐसी कॉमेडी आती नहीं है उसका कोई रोस रोस्ट होता नहीं की वो एक्चुअली अच्छा बना है तो मोनी रॉय ने सबसे बेस्ट किया है ये रोल नागिन का तो डेफिनेटली बनता था उनका थोड़ा उनका रोस्ट जो सलमान खान किया जो बहुत अच्छा लगा बहुत फनी था ये करने में अच्छा पर भी आप एनी वे तो अः तो 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 totally anyway, तो, uh, मुनवर को तो बीच में डाल दिया अंकिता और मनारा के बीच में और मुनवर ने इजी टारगेट चुना हर बार उन्होंने किसी के साथ लड़ना नहीं था झगड़ नहीं था, था वो आगे फ्रंट फुट पे आके कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो उसलिए उन्होंने मना, मनारा को ही सबसे ज्यादा डंक करवाया जहां पे एक्चुअली उसको नहीं भी करना चाहिए था आई थॉट दैट वाज वेरी ऑड एंड यहां से मुझे वो थोड़ा उनका गेम थोड़ा वियर्ड लगा कि आप करो ना जो करना है अगर अंकिता के ऊपर सही आता है तो वहां पर भी करो पर नहीं आपको नहीं करना है तो बोरिंग एंड uh, जिस तरीके से आई थिंक उकसाने की कोशिश की थी सलमान ने uh, मनारा को uh, मन, मनवर के अगेंस्ट कि अभी ये तुम्हारे ऊपर ये ये कर रहा है तो आपको यहाँ रिएक्शन देना चाहिए ना करके जैसे आप पहले रिएक्शन दे रही हैं बट uh, ये मैं फिर से बोलूंगा ये हो नहीं सकता कि आप किसी को सिखाएं कि उनको रिएक्ट कैसे करना है प्रॉब्लम ये मुझे आता है कि जब आप कहते हैं कि देखो आपका ओपिनियन है कि किसी को कैसा रिएक्ट करना चाहिए कहां पे, पर फिर वो कोई होता है पर्सनैलिटी जो वैसे वो है वैसे ही रहेंगे वैसे ही वो गेम खेलेंगे आप उसको नहीं बदल सकते तो ऐसा क्यों करते हैं बार बार और फिर मेरे मन में आता है स्क्रिप्टेड रियलिटी स्क्रिप्टेड रियलिटी स्क्रिप्टेड रियलिटी हाँ मैं तीन बार बोल बोलो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बात आप जरा जरा याद रखें तो फिर आते हैं अभिषेक और अभिषेक और ईशा की लव स्टोरी के ऊपर देखो बिग बॉस वालों ने बहुत चुस्त हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही जाने हैं पहचाने हैं और समझदार हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो लव स्टोरी पहले क्यों दिखाई देखो एक आप कहेंगे कि उन्होंने समर्थ को लेके आना था जो करंट ईशा का बॉयफ्रेंड है जिसको को करंट लगा क्योंकि ईशा ने नहीं माना कि वो उसका बॉयफ्रेंड है पर वो अलग बात है बात तो मुझे फिर से करनी है अभिषेक के बारे में अभिषेक को कैसे बेचारा बिना दिया क्योंकि वो म्यूजिक जो चला रहे थे वो पूरे जो उडारिया में वो म्यूजिक चलता है ना वो नंग पटाने पटन पणिया दैट गाना दैट बेसिकली वो हर एक दो सेकंड में उडारिया में होता है I mean, बिग बॉस आप क्या कर रहे हैं क्या आप इस शो को उडारियां बनाना चाहते हैं क्या ऐसा आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपने ऐसा क्या किया देखो पहले अभिषेक को बेचारा बना दिया पहले वो उसको जितना उसने उसका एग्रेशन था जितनी जिस जिस उसकी बदतमीजी लोगों के प्रति खास करके औरतों के प्रति वो जो भी था वो जो उन्होंने करा वो पूरा उन्होंने धो डाला क्योंकि अब हम कैसे देखते हैं अभिषेक को बेचारा जिसके साथ कहीं ना कहीं उसका दिल तोड़ा गया उसके साथ झूठ बोला गया उसके साथ फरेब करा गया वो इस सीन में अब बेचारा बन गया उसने कितना भी गंद बका हो कितना भी बोला हो कितना भी एक्ट करा हो जितना भी उसने लोगों के ऊपर पाउंस करा हो छाती मारा हो वो सब भूल गए तो अब बस बेचारा अरे ये लड़की जो है ना ये ईशा लड़की बिल्कुल मतलब क्या चालू आइटम है ऐसा क्या 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 ये ठीक है मुझे ये से पूछना है क्या ये ठीक है कि एक लड़की की छवि ऐसे टीवी पे दिखाना देखो यहाँ पे दो राय हैं दो अः दो दारी तलवार है क्योंकि एक तरफ आप कह सकते हैं कि हाँ ईशा ने दो लड़कों को आ, कहीं ना कहीं खराब करके रखा हुआ है वो बीच में रखा हुआ है न, ना ना इधर का ना उधर का बस किसी का आ, नहीं तो बेसिकली मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि ईशा एक तरफ से तो चलो उसको कह सकते हैं वो झूठी है कह सकते हैं कि वो मकार है कह सकते सकते हैं कि वो दो दो लड़कों के साथ फरेब कर रही है दूसरी तरफ से मैं कह रहा हूं कि वो बहुत यंग वुमन है वो बहुत छोटी उम्र की है जो मर्जी है उन्नीस की है बीस की इक्कीस भी है अगर वो इन तीनों में से कोई भी है एज नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दट वेरी यंग देखो मेरी खुद की नीस है वो अठारह साल की है अगर ऐसा टीवी पे उसके साथ ऐसे हुआ होता तो मैं बहुत क्रोधित होता और बहुत ही मुझे आ, अपनी बेटी को वहां से निकालना था क्योंकि वो बहुत यंग एज में है बहुत ही आ, क्या कहते हैं ऐसी एज में है बहुत कच्ची उम्र में है जहां पे बहुत कुछ सीखा जाता है और ट्रॉमा अगर वो बच्चे को ट्रॉमा उस उम्र में लगे तो वो पूरी लाइफ उनके साथ रह सकता है तो मेरा मानना इस पे ये है चलो ठीक है अगर ईशा ने मिस्टेक्स किए हैं बच्चों से मिस्टेक्स होंगे पर यहां पे उनकी मिस्टेक्स ऐसे एक शो के लिए सामने लेके आना क्या ये ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको लगता है कि जो ईशा है अगर वो झूठी है अगर उसने मिस्टेक्स करी हैं, पर क्या उसकी उम्र में ऐसा सब नहीं करते हैं और क्या इस उम्र में उसको बड़ी बाजार में ऐसे बेजत करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं मैं आपको पूछ रहा हूं क्या क्या ये सही कर रहे हैं शो वाले आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या ये सही है पर ये क्वेश्चन मेरे मन में आया तो मैंने आपके सामने रखा तो मुझे फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, क्या एक छोटी उम्र की लड़की जो अठारह उन्नीस बीस की भी है क्या अगर वो मिस्टेक्स उसने करी हैं क्या उस मिस्टेक्स को टीवी पे आके सबके सामने रखनी चाहिए क्या उस लड़की को ये मदद करेगा या फिर उसको ट्रोमा देगा मैं आपको पूछ रहा हूँ ऑडियंस को पूछ रहा हूँ आप ऑडियंस हैं यू आर एक्चुअली द बॉस यू अस के आप क्या कहते हैं मैंने एक पोल भी डाला हुआ है प्लीज पोल में डालिए कि आपको क्या लग रहा है और पोल के साथ साथ क्योंकि आप पोल तो क्लिकिंग करेंगे ना उस सेम टाइम पे आप लाइक भी कर लेना स्ट्रीम को क्योंकि यू नो you know, डबल हो जाएगा एक तीर के साथ दो निशाने तो लाइक भी कर लो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन कर लो भाई आफ्टर पार्टी में आ जा करो फिर आप हमें भी बता दिया करो कि हमने क्या किया क्या नहीं किया आपको अच्छा क्या लगा और हमसे पर्स बात करना ओके <laughs> गाइस okay, तो लेट्स मूव ऑन विद दिस तो देखो फिर आते हैं समर्थ समर्थ आते हैं और समर्थ की ओवर एक्टिंग की दात देनी पड़ेगी उनको पचास रुपए डेफिनेटली उनके काटे जाए क्योंकि इतना वो उन्होंने ओवर एक्टिंग की आके देवदास वाली पता नहीं उसने मूवी देखी होगी जिसमें शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहे थे वो है शाहरुख खान किंग खान है वो तो सबसे बेस्ट एक्टर है ऑब्वियसली उनको उनकी नकल ना करें तो किसकी करेंगे पर भाई आप थोड़ी अच्छी भी कर लेते तो बेहतर होता समझते इतनी ओवर एक्टिंग करके आए तू तू आ जाता नॉर्मल रहता समझ में आता कि भाई तेजे में कोई प्रॉब्लम है पर जितनी तुमने की है तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ फरेब मेरे ना फरेब मेरे, मेरे ना इंटुएशन में आ रहा है कि ये तीनों जो है ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 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 मिली साजिश भी हो सकती है ये तीनों ने बाहर से क्या ये रचना रची है क्या ये एक आ, क्या कहते हैं शतरंज की चाल है बिग बॉस में कि ये जो सारे लोग हैं या जो तीन ट्रायंगल जो है या फिर इसमें बिग बॉस भी शामिल हैं मैं आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चंस हैं मेरे पास आज जो शायद समृद्धि सांझ नीशा हमजा जो हमजा की खाला एक्चुअली नॉट हमजा हमजा भी आ जाएगा एम श्योर sure. बट हमारे पास चुगली गैंग ऑलरेडी वेट कर रही है ये जवाबों के आंसर्स के साथ क्योंकि मेरे मन में सवाल बहुत हैं पर मैं उनको जवाब खुद नहीं देना चाहता मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तीनों मिलके बिग बॉस को बुद्धू बना रहे हैं या फिर बिग बॉस के साथ हमें बुद्धू बना रहे हैं मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या लगता है क्योंकि मुझे तो नहीं पता भाई क्योंकि मैं तो बिग बॉस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं तो शो को बहुत पसंद करता हूं और मैं घर के अंदर जा भी चुका हूं कितनी बार तो मेरे लिए बिग बॉस अलग लेवल में मेरे मन में है मैं तो उनको गलत नहीं मान सकता तो कहीं ना कहीं पर जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पूछना तो वो पड़ता है एनी uh, anyway तो मुझे ये बात बहुत इन बहुत वियर्ड लग रही है कि ईशा साफ साफ कह रही है अंकिता उसकी रोल मॉडल को कि नहीं भई वो मेरा सिर्फ दोस्त है वो मेरा कुछ ऐसा नहीं लगता है वो पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है अभिषेक वहां पे मुनवर की जफिया जो ज्यादा ही पड़ रही हैं, मतलब मुनव्वर भी कितना ओवर करना पड़ता तू ना भाई तू जब भाई अप, दूर हट और तू उधर बैठ इतना ज्यादा क्यों घुस रहा है भाई तू क्योंकि अटेंशन अभिषेक को मिली तो तुम्हें भी बीच में घुसना है तो साइड में हट लेना तेरी तेरी बारी नहीं अभी अभी अभिषेक को ले लेने ले दे उसका अभिषेक भी ऐसे कर रहा है मतलब नहीं हग नहीं चाहिए मुझे पर वो घुस घुस के हग देगा वंडरफुल मतलब घुस घुस के हग देगा ये तो दो वे में भी आप ले सकते हैं पर ये तो आपके ऊपर है मैंने तो सिर्फ एक हक बोला था आप दो ले लें टू यू सो एनीवे लेट्स मूव ऑन तो ईशा ने अभिषेक को रखा अपने घर में और अपने बॉयफ्रेंड को सपोजिट बॉयफ्रेंड को भेज दिया दम के कमरे में वंडरफुल जी वंडरफुल अब आगे देखेंगे क्या होता है ओबियसली अभिषेक अपना कमरा त्यागेगा बॉयफ्रेंड के लिए कि जब स, जब ये मैडम जी मान लेगी क्योंकि मानेगी क्योंकि है बॉयफ्रेंड क्योंकि बिग बॉस इतने भी मतलब वो नहीं है ओके बिग बॉस वाले सबको चेक चुक करके ही भेजेंगे अंदर

Oh my God, it's so funny. I love it. चलो तहलका कुछ नहीं कर पाएगा तहलका तहलका अपना नाम बदलिए क्योंकि आपने ना तहलका की जो जो लफस है ना तहलका उसकी आपने बेजती कर दी है और अचानक भयानक ने भी माफ करें आगे बढ़ो नहीं चाहिए